हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू को ग्रेट कर लिया है और इनको मैं एक बाउल में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक्स है, 5 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्च डालें। हाफ टी स्पून जीरा, और यहाँ पे आधा मैंने नींबू का रस लिया है, आप चाहे तो चाट मसाला भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप सूजी, जो कि 6 चम्मच के करीब है, और सभी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। जब कोई भी मेहमान आए या फिर आपका चटपटा खाने का मन करे तो आप तुरंत ही ये स्नैक्स बना के खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक्स है ये। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं नमक डाल दूँगी, आप स्वाद के अनुसार डालें, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिश्रण हमने तैयार कर लिया है। अब छोटे छोटे इस तरह हम नींबू के साइज़ के बॉल ले लेंगे और उन्हें मनपसंद शेप में बना लेंगे। आप चाहे तो टिक्की भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह टिक्की का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं सभी स्नैक्स बना के तैयार कर लूँगी। सभी टिक्कियाँ हमने इस तरह बना के तैयार कर ली हैं। ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी और मीडियम हॉट ऑयल में इस तरह सभी टिक्कियों को मैं डाल दूँगी और क्रिस्प होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ये नीचे से क्रिस्प होने लगे हैं, तो मैं इन्हें इस तरह पलट दूँगी। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये टेस्टी नाश्ता बनता है। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी स्नैक्स है। सभी स्नैक्स हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन इन पर कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं इन्हें टिशू पर निकाल लूँगी ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए, और इसी तरह से हम अपने सभी स्नैक्स बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इंस्टेंट स्नैक्स हमारा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी हमारा स्नैक्स बना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 मिनट में कितना टेस्टी हमारा स्नैक्स बनके तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ईजी से ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और रेसिपी को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।